हेलो, कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, आज फिर मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमने ये बनाया है, कार्डिगन का डिज़ाइन है। आप इसको कार्डिगन में या किसी भी कोटी वगैरह में, हाफ स्वेटर में बना सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये लगा है बनने के बाद। ये देखिए, बहुत सुंदर है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। कमेंट करने के लिए आप मेरे वीडियो के बिल्कुल नीचे जाके और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको अच्छा भी बोल सकते हो। अगर वीडियो के अंदर, डिज़ाइन के अंदर कोई कमी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ताकि मैं और मेहनत करके उस कमी को दूर करूं और आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करती हूं और मैंने इससे पहले बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें क्रोशे की डिज़ाइन है, सिलाई की डिज़ाइन है, कैप बनाई है, डांगरी सूट मैंने बनाया है, कार्डिगन, स्कार्फ, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मैंने डाले हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हो, लेकिन आप मेरा चैनल तभी देख सकते हो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ये देखिए आप। और सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आती है, आप उसको भी प्रेस करो। और प्रेस करने के बाद में वहां पर ऑल आएगा, तो आप ऑल पे जाके भी उसको प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 20 फंदे डालने हैं। तो ये 20 फंदे डालकर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये देखिए, ये हमने 20 फंदे डालिए हैं इसमें। अब हम एक सिलाई उल्टी बनाकर इसको, ये डिज़ाइन सीधी सिलाई पर आएगा। तो ये देखिए, ये सिलाई हमने उल्टी बनानी है। धागा आगे किया और इसको हमने पूरा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए, ये हमने एक सिलाई उल्टी बना ली है। ये डिज़ाइन हम उल्टी तरफ से बनाएंगे, जिधर हमारा उल्टी साइज आएगा वहाँ से हमने ये डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए, एक फंदा हमने बिना बुना लिया और ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा हमने बिना बुना लिया है और तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं। अब हम धागा आगे करेंगे, ये फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ये देखिए आप, और ये फंदा हमने सीधा बनाना है। एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं। देखिए, धागा आगे किया, एक फंदा बिना बुना लेंगे और ये फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने सीधे बनाए। अब देखिए, धागा हम अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, और ये फंदे हमने, तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। एक, दो, तीन, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा हमने बिना बुना उतारा और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाए। ये देखिए, अब हम सीधे सिलाई पर आते हैं। ये सिलाई हमारी सीधी रहेगी। अब देखिए, ये फंदा हमने ऐसे ही लिया, ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक, दो, ये फंदा हमने उल्टा बनाया। आप देख सकते हो, धागा हमारा आगे है, ये फंदे हम दोनों ऐसे ही उतारना है हमने। फिर धागा इसके ऊपर से घुमाकर आगे लाएंगे और तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए, तीन फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, धागा आगे है, ये दोनों फंदे हमने ऐसे करके उतारने हैं, फिर धागा आगे लाएंगे। देखिए, तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए, तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं, धागा आगे रहेगा, दोनों फंदे हम ऐसे करके निकालेंगे और ये धागा इसके ऊपर से हम आगे लाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं।
देखिए, तीन फंदे हमने सिरे बनाए हैं, धागा आगे रहेगा, ये फंदे हम ऐसे करके निकालेंगे, धागा ऐसे सिलाई के ऊपर से लपेट कर आगे लाएंगे, तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए ये अलग से एक्स्ट्रा फंदा है, इसको हमने ऐसे करके बना देना। अब हम उल्टी सिलाई पर आते हैं, ये साइड जिधर हम सीधा बना रहे हैं ये बुनाई का उल्टा है। अब देखिए आप, ये फंदा हमने ऐसे ही लेना है और ये फंदा हमने सीधा बनाना है। देखिए ये फंदा सीधा बनाया हमने और ये वाला भी सीधा जाएगा, ये भी सीधा ही जाएगा, तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं। अब आप देखिए धागा हम आगे करेंगे और ये फंदा हमने ऐसे करके लेना है। अब देखिए इसके ऊपर से दो बार हमने सिलाई के ऊपर से बल लिया हुआ है, ये फंदा हमने ऐसे लेना है और इसको हमने आगे को बनाना है। देखना, एक बार बनाया, सिलाई के ऊपर से धागा ऐसे लपेट कर आगे लाएंगे, देखिए इसको हमने एक बार और ऐसे ही बना देना है। ये देखिए, ये हमने तीन बार इसको बनाया है, ये फंदे हम गिरा देंगे, धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं, देखिए धागा हम आगे लाएंगे और ये फंदा हम ऐसे उठाकर, तीन फंदे हैं ये, तीन फंदे हम ऐसे उठाएंगे इनको, और ये देखिए एक बार उल्टा बनाया, फिर सिलाई के ऊपर से हम धागा लपेट कर आगे लाएंगे और एक बार हमने इसको फिर उल्टा बना देना है। अब हम इसको निकाल देंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। ये सिलाई हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ, धागा आगे किया हमने, ये तीन फंदे हमने एक साथ लिए हैं, इसको हमने उल्टा बनाना है। एक बार बनाया, धागा सिलाई के ऊपर से लपेट कर आगे लाएंगे और एक बार हमने इसको फिर से उल्टा बना दिया है। अब हमने इसको निकाल देना है। देखिए सिलाई, धागा सिलाई के ऊपर से ले जाकर हम पीछे करते हैं, देखिए, और तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए सीधे बनाए, फिर धागा आगे लाए हैं, ये फंदे हमने ऐसे उठाने हैं और इसको उल्टा बनाना है। एक बार बनाया, सिलाई के ऊपर से धागा लपेट कर आगे लाएंगे, एक बार हमने इसको फिर से बना देना है। धागा पीछे किया, जो बचे हुए फंदे हैं वो हमने उल्टे बना दिए। ये देखिए अब हम सीधे सिलाई पर आ गए हैं। ये देखिए ये फंदा हमने ऐसे ही लेना है और ये फंदा हमने उल्टा बनाना है। अब हमने एक फंदा उल्टा बनाया है, एक फंदा बचा हुआ है हमारा, ये उल्टा वाला फंदा है। धागा हम पीछे करेंगे और इसके साथ में जो ये फर्स्ट वाला फंदा है, आप देखिए इसको, जो फर्स्ट वाला फंदा है इसके साथ हमने इसको दोनों को एक साथ बिनना है। ये देखिए आप, इसको हम यहाँ से ऐसे करके, देखिए दो का एक बनाया, ये फंदा हम सीधा ऐसे ही बनाएंगे। अब हमने ये वाला फंदा लेना है और ये वाला फंदा भी लेना है। ये देखिए इसको ऐसे पलट कर रखेंगे, इसको भी हमने ऐसे पलट कर रखना है। इसके साथ हम इसको, ये देखिए, फिर हमने एक फंदा उल्टा बनाना है, बीच में एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे जाएगा, इस वाले फंदे के साथ में हमने इसको दो का एक बना देना है। देखिए आप, दो फंदों का हम एक बनाया, ये वाला फंदा हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको ये फंदा हमने यहाँ पर लिया और ये दो फंदे हम ऐसे करके पलट लेंगे, इसको भी हमने पलट कर सीधा किया है और ये वाला फंदा भी हमने यहाँ से ऐसे करके हमने इसको बनाना है। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, देखिए धागा पीछे किया, इसके साथ में हमने इसको, देखिए दो का एक बनाया, ये बीच वाला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, इस फंदे के साथ इसको भी हमने ऐसे पलट कर दो का एक बना देना है। दो फंदों का एक बना दिया, फिर धागा आगे किया, एक फंदा देखिए उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया और ये दो फंदों का एक बनाएंगे, देखिए दो फंदे का एक बनाया और ये फंदा हमने
ऐसे करके सीधा ऐसे बनाना है। देखिए आप यहाँ से हमने इसको पलटना है, ये वाला फंदा भी हम इसके साथ पलट देते हैं। ऐसे करेंगे और दो फंदे का एक बनाएंगे। देखिए दो फंदे का एक बनाया और बाकी बचे हुए तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए अब हम इधर आते हैं उल्टी सिलाई पर, जिधर से हमने इसको सीधा बनाया है ये उल्टी साइड है। देखिए इसको हमने ऐसे ही लेना है और तीन फंदे हम देखिए आप सीधे बनाएंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं। ये फंदा हमने धागा आगे किया, ये फंदा हम ऐसे ही लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये नहीं सॉरी धागा पीछे आगे ही रहेगा। ये फंदा हमने ऐसे लिया है, ये इसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए इसको हमने सीधा बनाया, धागा हम आगे करेंगे, ये फंदा हम ऐसे ही हमने उतारना है और ये फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए धागा आगे किया, इस फंदे को हमने ऐसे उतारना है और तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। धागा हमारी साइड रहेगा, आगे रहेगा ये। देखिए तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए धागा आगे किया, ये इस फंदे को हमने ऐसे करके उतारना है और ये तीन फंदे हमने सीधे बनाने हैं। देखिए इसको हमने ऐसे बनाया है। अब हम सीधी सिलाई पर आ जाते हैं। देखिए ये फंदा हमने ऐसे उतारना है और ये दो फंदे हम आप देख सकते हो इनको उल्टा बनाया, धागा आगे रहेगा, ये फंदे हमने दोनों फंदे एक साथ उतारने हैं। धागा सिलाई के ऊपर से हम ऐसे करके देखिए आगे लाएंगे और तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। तीन फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, धागा आगे है, ये दोनों फंदे हमने ऐसे करके निकालने हैं। सिलाई के ऊपर से पलटकर धागा आगे लाएंगे और ये तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए धागा आगे है, ये दोनों फंदे हमने ऐसे करके निकालने हैं। सिलाई के ऊपर से धागा पलटकर ये देखिए आप ऐसे करके हम आगे लाएंगे और तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए तीन फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, धागा आगे रहेगा और दोनों फंदे हमने बिना बुना ऐसे करके निकालने हैं। सिलाई के ऊपर से धागा घुमाकर आगे लाएंगे और बचे हुए फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पीछे की सिलाई एक बार मैं आपको फिर से डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये देखिए दो फंदे हमने ये तीन फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए ये बना लिए हैं हमने, धागा हम आगे करेंगे और तीन फंदे हमने एक साथ सिलाई के अंदर लेने हैं और इसको उल्टा बनाना है। एक बार धागा सिलाई के ऊपर से आगे लाएंगे और इसको फिर से हमने उल्टा बना देना है। तीन फंदे का तीन ही हमने बनाना है। धागा पीछे किया, तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। तीन फंदे हमने सीधे बनाए हैं, धागा आगे लाएंगे, तीन फंदों का एक बनाए, तीन फंदे के तीन बनाएंगे। देखिए उल्टा बनाया इसको हमने, धागा सिलाई के ऊपर से घुमाकर आगे लाएंगे और इसको हम एक बार फिर से उल्टा ही बनाएंगे। देखिए ऐसे करके हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बना है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कार्डिगन में ज़रूर बनाएं। देखिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।